हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सब इम्पॉर्टेंट वोकैब पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए एंड डेली यूज सेंटेंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आज की सबसे फर्स्ट वोकैब है एड, ए आई डी। एड मीन्स होता है सहायता, एड मीन्स सहायता। Alive, A L I V E, A L I V E, alive, alive मतलब होता है जीवित। Alone, A L O N E, alone, alone means होता है अकेला। Amus, A M U S E, amus मतलब होता है मन बहलाना। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं जिसे आप अपने डेली यूज सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं और स्पोकन में भी यूज़ कर सकते हैं। एमस मिस होता है मन बहलाना। नेक्स्ट है एनालाइज, ए एन ए एल वाई एस ई, एनालाइज मतलब होता है विश्लेषण करना, मतलब अलग अलग करके पढ़ना। एनसेस्टर, ए एन सी ई एस टी ओ आर, एनसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, एनसेस्टर मतलब पूर्वज। एनिवर्सरी, ए एन एन आई वी ई आर एस ए आर वाई, एनिवर्सरी मीन्स होता है वर्षगांठ यानी सालगिरह। एनिवर्सरी मतलब वर्षगांठ या सालगिरह। अनाउंस, ए एन एन ओ यू एन सी ई, अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना। अपेरेंट, ए पी पी ए आर ई एन टी, अपेरेंट मतलब होता है स्पष्ट, अपेरेंट मतलब स्पष्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पोकन वोकैब्स। अपीयर, ए पी पी ई ए आर, अपीयर मतलब होता है प्रकट होना, भाग लेना, प्रतीत होना, सामना करना, सामने आना। अपीयर मीन्स प्रकट होना। एपेटाइट, ए पी पी ई टी आई टी, एपेटाइट मतलब होता है भूख, एपेटाइट मतलब भूख। नेक्स्ट है ए पी पी एल आई ए एन सी ई, एपिलेंस मतलब होता है उपकरण यानी औजार, वस्तु, कोई चीज़ जो उपकरण होता है, कोई औजार को हम एपिलेंस कह सकते हैं। एपिलेंस, अप्रोच मतलब होता है पहुंच, ए पी पी आर ओ सी एच, आर ओ ए सी एच, ए पी पी आर ओ ए सी एच, अप्रोच मतलब होता है पहुंच। नेक्स्ट वो कैब है एप्रोप्रिएट, ए पी पी आर ओ पी आर आई ए टी ई, एप्रोप्रिएट मतलब होता है सही, करेक्ट जिसे हम कहते हैं सही, उचित, सटक। नेक्स्ट है आर्ग्यू, ए आर जी यू ई, आर्ग्यू मतलब होता है तर्क करना, बहस करना। नेक्स्ट है आर्म्ड, ए आर एम ई डी, आर्म्ड का मीन्स होता है सशस्त्र, सशस्त्र, सशस्त्र मतलब शस्त्र के साथ, सशस्त्र, आर्म्ड मतलब सशस्त्र। आर्मोर, ए आर एम ओ यू आर, आर्मोर का हिंदी होता है कवच। नेक्स्ट है अरेंज, ए आर आर ए एन जी ई, अरेंज मतलब होता है व्यवस्थित करना। आज की लास्ट वो कैब है एस, ए एस एच, एस मतलब होता है राख, ए एस एच, एस एस मीन्स राख। तो ये सब इम्पॉर्टेंट वोकैब थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। मैंने आपको पहले भी बहुत सारी ऐसे इंपॉर्टेंट वोकैब बताए हैं जो कि आपको स्पोकन इंग्लिश में, डेली यूज सेंटेंस में, रिटन इंग्लिश में बहुत ही यूज़ होने वाली है। तो आप सारे वोकैब को याद कीजिए और इसे अपने स्पोकन में, डेली यूज सेंटेंस में यूज़ कीजिए। इसे सबको आप यूज़ कीजिए अपने डेली यूज सेंटेंसेस में। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। टेक केयर, बाय बाय।